Assalamu alaikum, my beautiful people. Hope you are doing well. We are good too. A very, very happy Eid Mubarak to all of you. So, aaiye karte hain apna vlog start. But before that, please do like, subscribe, share, and comment. Zahra, Chand Raat Mubarak. तो उम्मीद करती हूँ आप सब ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आइए आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी चांद रात की तैयारियाँ और साथ ही ईद के अगले दिन को मैंने कैसे सेलिब्रेट किया सऊदी अरेबिया में। तो आइए देखते हैं मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा, जब चांद रात थी तो सबसे पहले मैंने जाके अपने बेटे की थी शॉपिंग, क्योंकि उसका कुर्ता शलवार रह गया हुआ था और उसके लिए मैंने जो ऑप्ट की थी ऑप्शन लुलू हाइपरमार्केट की थी। वहाँ पे किड्स की बहुत अच्छी कलेक्शन थी कुर्ता शलवार की। आइए मैं आपको थोड़ी सी कलेक्शन भी दिखाती हूँ। और इन्हीं कलेक्शन में से मैंने एक बहुत ही डिसेंट और प्यारा सा कुर्ता शलवार अपने बेटे के लिए ख़रीदा था। और यहाँ पर बहुत रौनक लगी हुई थी ईद की, माशाल्लाह से सब लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए थे। तो इस तरह से शॉपिंग करने के बाद मैंने अपने घर को किया थोड़ा सा डेकोरेट। आप जानते हैं कि ईद हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल है, तो इसमें लाजिम है कि बच्चों को भी ज़रूर बताया जाए कि किस तरह से हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता कि हम इसको अच्छी तरह से डेकोरेट करके बच्चों को खुश करके बताएं कि ये खुशी का मौका है जिसमें हमें खुशी के साथ साली सेलिब्रेशंस करनी होती हैं। तो ये मैंने छोटी सी तैयारी की थी अपनी ईद की सेलिब्रेशंस के लिए। तो साथ ही साथ जी, क्योंकि इस ईद को कहा जाता है छोटी ईद और मीठी ईद, तो जब तक यहाँ मीठी मीठी प्यारी प्यारी मज़े मज़े की बच्चों के खाने की चीज़ें ना हो तो बच्चे भी एंजॉय नहीं करते हैं। तो बच्चों के लिए मैंने कुछ जो थी मीठी मीठी चीज़ें रखी थी और उनको बताया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है और हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। साथ में ही मैंने बच्चों के लिए बनाया था कैरमल विद जेली, ताकि बच्चे ये खा के इंजॉय करें और उनको पता चले कि आज कोई स्पेशल डे है जिसकी वजह से मामा ने हमारी पसंद की चीज़ें जो हैं रखी हुई हैं। और फिर मैंने अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा ये खिलाया और उनका मुंह मीठा किया। और हमने तो खैर अपना मुंह जो है मीठा किया था नमाज के बाद, जब ईद की नमाज हम पढ़ने गए थे, तो उसके बाद मैंने बनाई थी सेवैयाँ खा के, तो फिर जो है ईद का हमने आगाज़ किया था। अच्छा, उसके बाद मेरी बेटी को जी होता है कि गुडी बैग ज़रूर देने हैं ईद पे, और ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अपने फ्रेंड्स के लिए डालें। खैर, जब हम छोटे होते थे तो तब तो हम एक दूसरे को सिर्फ़ ईद कार्ड्स दिया करते थे, लेकिन अब गुडी बैग्स दिए जाते हैं जिसमें बच्चे अपनी मज़े मज़े की जो उनकी अपनी फेवरेट चीज़ें होती हैं बच्चों की फेवरेट चीज़ें डाल के तो फिर अपने फ्रेंड्स को एंड फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने हम उम्र फ्रेंड्स वगैरह को। तो ज़ारा भी जी इसी में लगी हुई थी। ज़ारा वॉज़ अबाउट के मामा आई वॉन्ट टू मेक गुडी बैग्स अकॉर्डिंग टू माई चॉइस, शी वॉज मेकिंग दैम एंड इन्जॉइंग के, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हो गए थे डन गुडी बैग्स। ईद मुबारक, से एवरीबॉडी ईद मुबारक। इसके बाद आई मेहंदी लगाने की बारी। मेहंदी मुझे लगानी आती नहीं है, तो मैंने ये जो स्टिकर्स हैं इनका यूज़ किया और इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला था। मैंने क्या किया था, इन स्टिकर्स को हैंड पे लगा के मेहंदी को अच्छी तरह से इस पर फिल कर दिया और फिर इसको ड्राई होने तक रखा। और फिर उसके बाद ये देखें, आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे आपने ख़ुद लगाई हुई है, और बड़ा नीट रिज़ल्ट था। यहाँ पर आगे बच्चों की ईद की गिफ्ट की बारी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और इस तरह अगला दिन शुरू हो गया और हमने सोए बगैर
जो है अगले दिन ईद की नमाज़ पढ़ी। ये हम आ गए हैं ईद की नमाज़ के लिए। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे रश नहीं है, अब बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा होगा आपको। इसके बाद जी बच्चों ने डिस्ट्रीब्यूट किए एक दूसरे को जो गिफ्ट्स देने के लिए, और बहुत रौनक लग गई थी, हलचल मची हुई थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे सारा देख के, बहुत खुशी हुई। और फिर इस तरह से हमने ईद की नमाज़ पढ़ के ईद का किया आगाज़। ये हैं कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने ईद के दिन की। इसके बाद हम घर आए और ज़ारा ने दिखाए अपने गिफ्ट्स जो उसको मिले थे। आइए आपको भी दिखाती हूँ ज़ारा को क्या क्या मिला था वहाँ से। और इस तरह बच्चे हो गए खुश प्यारे प्यारे छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीलॉग आया होगा पसंद। ये थे कुछ तरीके जिससे हम अपनी ईद को गुजारते हैं। ये चांद रात से सुबह नमाज तक जो है हम जागते रहते हैं, और फिर उसके बाद 10-11 बजे सुबह के सोते हैं, और आधा दिन हम अपना ऐसे ही सो के गुजार देते हैं। लेकिन जो मज़ा आता है चांद रात के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने का, वो कुछ और ही होता है। पाकिस्तान में एक डिफरेंट तरीके से ईद मनाई जाती है, सऊदीया में डिफरेंट तरीके से मनाई जाती है। तो हर जगह का अपना ट्रेडिशन है, कल्चर है। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा वीलॉग आया होगा पसंद। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ विद योर लव्ड वंस। मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू ऑल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड ईद मुबारक अगेन टू ऑल ऑफ यू। और आइए अब मेरे साथ मिल के आप नाश्ता करें फूल और तमीज़ का, जो कि आज हमने सुबह ईद की नमाज के बाद खाया था। Okay, take care. Allah Hafiz.